अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। के लिए है, परिवार के बाहर के लोग हाथ भी ना लगाएं। इसको तैयार करना है तुझे, रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। दीदी खाना। तुझे क्या लगता है, भूखा मार के करोड़ों का हिस्सा वापस करवा लेगी? दोनों बालों के लिए इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी सयानी हंसिंग। अभी ना सही दीदी, हराएंगे तो हम, वो भी चारों खाने चित करके। विद्या का अपमान है। हम कर रहे अपमान? हम कर रहे अपमान या तुम कर रही हो? एक अभ्यास पढ़ने को कहा था ना तुमसे हमने। चलो सुना हमको पहली पंक्ति। वो हम दरअसल हमको पूरा दिन में ना एकदम समय नहीं मिला। नहीं मिला? अरे मान बनने से फुर्सत मिले तो ना। घर वालों की नौटंकी से ध्यान हटेगा तो ना याद रहेगा कि किसी को अभ्यास पढ़ने का 10 बजे का वचन दिया था तुमने। ना संकल्प, हमारा संकल्प, हमारी इच्छा, सक्षम बनने का उद्देश्य तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कु क्या कहा था हमने? क्या कहा था कि हंसिनी के कारनामों से दूर रहो और अपने विकास पे ध्यान दो? कहा था ना हमने? नहीं भाई, तुम नहीं। हर बार अपनी बेइज्जती करवाने की आदत पड़ गई है तुमको। ऐसा नहीं है राजू। तंग आ चुके हम तुम्हारे बर्ताव से। कू लोगों को मनाने के, महान बनने के, न्याय की दुहाई, त्याग, बलिदान, ये सब की मूरत बनने का जो तुम्हारा चस्का है ना, तुम्हारी इन फितरतों और तुम्हारी इन सनक से तंग आ गए हम। अरे सच बोले अब तो ना घुटन महसूस होती है हमको। और ये नहीं चलेगा कू, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई सेतु नहीं बनेगा, कोई सामंजस्य नहीं। अरे घुटन होती है तुम्हारे बर्ताव से, घुटन होती है तुम्हारी सनक से। हर बात में दुखी कर देते हैं हम आपको। अच्छी नहीं ऐसे भी कुछ करना चाहते हैं तो पता नहीं क्या है, आपको रुला ही देते हैं हम। माफ कर दीजिए हमको। सच तो ये है कि
हम आपके लायक ही नहीं है। सच वो नहीं हो, सच तो ये है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। राजीव नारायण चंदेल, बाहर निकल। कौन बदतमीज है जो इस बेहूदगी से राजीव का नाम लेकर चिल्ला रहा है? हाँ देख ऊपर। अब तो लाचार नहीं है ना तू, देख सकता है ना, तो देख। देख देख कहूं कि इन तस्वीरों को लगता है किसी नाटक कंपनी से लेकर आए इसे। अवधेश क्या कर रहा है ये सब? क्या है ये सब? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तब बोलो, ऐसी अवस्था में अपनी शादी का ऐलान करोगी तुम? पहले अपनी महाभारत तो बंद करे ये दुर्योधन। मन से तो अब भी अंधा है तू, लेकिन आंखों से देख सकता है ना, तो देख, देख गौर से जो हम तुझे दिखाना चाहते हैं। ये मिसाल, हिम्मत कैसी हुई तेरी ये सब करने की? ये देख, ये है तू। थम जा वरना हमारे हाथों तेरी। पहले तू थम जा राजीव नारायण चंदेल, बंद कर कहो पे सुन करता शर्म। अरे एहसान फरामोश है तू, कहो ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तुमने जेल से रिहा करवाया, वापस इस घर में लेके आई, तुम्हारे लिए अपने आप को अंदर गला रही है वो, और तुम उसे दिल दिल मार रहे। कह रहा है हमसे नहीं, अपने इस बेशरम नालायक बेटे से पूछिए। अवधेश, तमीज से अगर दादा के साथ बदतमीजी की तो भूलो मत, तुम इस घर के नहीं हो, तुम्हें हम पर थोपा गया है। हमें किसी पे थोपा नहीं गया और ना ही खुद को तुम लोग पे थोपना चाहते हैं। हमें तुम लोगों के मंजूरी की जरूरत नहीं है, हम यहाँ अपनी नहीं गुहू की बात कर रहे हैं, उस गुहु की जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहां तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी उसने तुम्हारी आंखें वापस लेके आने के लिए। तुम्हारी जब दृष्टि आई तो तुमने क्या किया? उसे देख के इरादा बदल दिया, सच सामने आ गया। अरे तुम्हारे सच का क्या, तुम्हारे मन का काला सच वो तो बता सबको। तू है कौन मैं? हमारे सच को सामने लाने वाला, हमको दिखाने वाला कौन है? हमारे जाति मामलों में दखल देने वाला, उसमें टिप्पणी करने वाला कौन है तू जो अपनी गंदी जुबान से हमारी कुहू का नाम ले रहा है? लेंगे, बार बार कुहू का नाम लेंगे, क्योंकि उसे पूछते हैं हम, सम्मान करते हैं उसका। आप लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? इसे देखिए, पूछिए इससे क्या चल रहा है इसकी मनहूस जिंदगी में। पहले जब ये लाचार था तो कुहू से प्यार था इसे, लेकिन जब दृष्टि वापस लौटी फिर क्या हुआ? उसकी शक्ल देख के नफरत होने लगी उससे। हाँ, कुहू की ममता, कुहू का त्याग, ये सब देख के इसे ईर्ष्या होने लगी, और अब इसे घिन आती है कुहू से। पूछिए इससे, और अब इसने एक नया नाटक शुरू किया है कुहू को सक्षम बनाने का। इसे लगता है कि एक अपला नारी को तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन एक सक्षम औरत को छोड़ सकता है। तू क्या सक्षम बनाएगा कुहू को? कुहू पहले से ही सक्षम है, तुझसे, हमसे, हम सबसे ज्यादा सक्षम है वो।
अरे छोड़ने का मन बना चुका है ना उसे, तो छोड़ क्यों नहीं देता एक बार में? रोज रोज खड़ी खड़ी नाटक क्यों करता है? सब बना बनाया बिगाड़ देगा ये लड़का। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। अगर अपनी गंदी जुबान से हमारी पत्नी का नाम लिया ना तो अलग से जबान निकाल देंगे तुम्हारी, समझा? तू बोलेंगे बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि यही सच है और ये सच सुन के तुम्हारी छाती फट रही है। तुम्हें क्या लगा था तुम गुहू को सक्षम बनाओगे तो उसका चेहरा बदल जाएगा और तुम्हारी नफरत प्यार में बदल जाएगी? अरे बेवकूफ, वो तो फिर भी बदल जाएगी लेकिन तुम नहीं बदलोगे। ये गुहू भूत की तरह सवार हो गई है, इसके मन में उतारना पड़ेगा। वो तो सक्षम बनेगी हम चाहे या तुम ना चाहो, लेकिन तू होता कौन है बे हमसे हिसाब लेने वाला? पागल हो गए तुम? छोड़ो एक दूसरे को, पीछे छोड़ो, आगे छोड़ो। ये क्या हो रहा है? हमारे नाम पे काहे लड़ रहे हैं आप लोग? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज श्रीदेव नारायण चंदेल। क्या बात है? नमस्ते सर, हम एडवोकेट ललन चौधरी, राजन बाबू के वकील। हंसने जी, हमसे मिलने का वादा किए थे और पूरा नहीं किया, क्या है? कैसे निकलते चंदेल भवन से? हमारा घर, गाड़ी, कपड़ा लत्ता सब छिन गया है। कैसे? कल से भूखे हैं, दो रोटी नहीं खाए और ये तो खा भी नहीं सकते। चंदेल भवन में हमारा दाना पानी सब छिन गया है। हंसने जी, अगर हमारे इस सर पे तारामती का केस नहीं होता ना तो ये पूरा चंदेल परिवार का गला काट देते दिन दहाड़े। फिलहाल हमको बचा लीजिए, बाद में चंदेलों का गला घोट दीजिएगा। हम कह दिए एक बार कि हम आपके साथ हैं तो हैं, घबराइएगा नहीं, आ रहे हैं। बोलिए वकील साहब। कोर्ट का ऑर्डर है सर, इस वक्त चंदेल भवन विवादित संपत्ति है और ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आने तक ये अदालत हंसनी कुमारी को उनके एक तिहाई हिस्से में रहने की इजाजत देती है और परिवार के बाकी सदस्यों को हंसनी कुमारी जी के हिस्से में आने से प्रतिबंधित करती है। आप लोग इनके हिस्से में आ जा नहीं सकते। ऑर्डर कॉपी ये देखिए सर। सर इनके हिस्से का सीमांकन करना होगा। आई एम सॉरी सर, कोर्ट के लोग साथ में हैं लेकिन हमें करना होगा। चलिए आप लोग। मेरी भवानी उधर,
उसके हिस्से में। क्षमा करना माँ, क्षमा करना। ये हमारा कमरा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सर अब ये कमरा उनका हो चुका है, पीछे हटिए आप प्लीज सर। हमारे माँ बाबूजी का कमरा था, अब मैं रहता हूँ इसमें, पर ये कैसे रह सकती इसमें? कैसे रह सकते हैं? कैसे? हम बताते हैं। ऐसे क्या बोले थे आप? सर से हाथ उठा लिए हैं, सरपरस्ती खत्म। हमारे सर पर अब भी हाथ है राजन वर्मा का। कर दिया ना समय के चक्के ने बहु चक्का, अभी तो कमरे से बाहर निकाले। देखते जाइए एक एक को कैसे खानदानी रियासत से बाहर करते हैं। मदद मांगे थे, नहीं दिए, रुलाए हमको, अब हम आप सबको खून के आंसू रुलाएंगे। देखते जाइए कब खून के आंसू रुलाएंगे। बड़का बाबा, बड़का बाबा पानी पी लीजिए। हुई है चाड़ी सबकी, तेरे कारण हो रहा है ये सब। एक बार लगता है आपसे भी फुर्सत से बात करनी होगी। टिकाऊन बिल बिल आ रहा है, क्या हुआ? कुछ चाहिए का? हाँ दीदी चाहिए। आई कुहू हमरे हिस्से में काहे आई, हमरे कमरे में काहे आई? ये क्या कर रही है? यही तो वो असली कुहू है जिसे लोग नहीं अवदेश पहचानता है। उतर हमरे बिस्तर से, उतर। बंसी काका, मृदुला, सब आइए, जल्दी आइए। पकड़िए। हाँ एक काम कीजिए, जितना कमरा में सामान है ना सब संभाल के धीरे धीरे सब लेके चलिए। हाँ उधर से भी उतार लीजिए। हाँ वो भी निकाल लीजिए। ये सब का हो रहा है? कमरा आपका है ना दीदी? सामान तो बड़का बाबू खरीदे हैं। सामान तो बड़का बाबू का है। अभी हम भी हेल्प करेंगे और मैं भी। बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी ये गुस्ताखी। तुम नहीं जानती हमारे साथ कौन है। जानते हैं दीदी, एगो गुंडा। कि आप नहीं जानती कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ है हमारे राजीव बाबू, हमारे साथ है भड़का बाबू, हमारे साथ है हमारे सुलझे हुए चाचा जी, और हमारे साथ है माँ जैसी प्यारी बुआ जी। हमारे पास है लक्ष्मण जैसे देवर। और दीदी आप भूल गई, हमारे पास है हमारे भोले बाबा। जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी। अब देखिए 2 से नैना मिलाई गई दंगल प्ले पर टीवी से पहले।